हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज अगेन आपके लिए एक बेहतरीन व्लॉग लेके आया हूँ। आज मैं आया हूँ डी एडवेंचर पार्क। मैं बात करूँ लोकेशन की तो ये गुड़गांव बादशाहपुर में पड़ता है। बादशाहपुर से जब आप टीकली रोड पे आओगे तो नूरपुर झारसा विलेज है राइट हैंड साइड में। उसी से आप 100-200 मीटर आगे आओगे तो राइट हैंड साइड पे डी एडवेंचर पार्क है। लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लोकेशन का जो लिंक है। अब बात करते हैं हम टिकट की, तो टिकट प्राइस जो अभी यहाँ पे है वो 650 है। ठीक है, 650 का चार्ज है, जिसके अंदर आपका वेलकम ड्रिंक इंक्लूड होगा। फूड यहाँ पे नहीं मिलता है, फूड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप चाहो तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो जोमेटो से, स्विगी से या किसी और रेस्टोरेंट से, और चाहो तो आप घर से लेके आ सकते हो। मतलब आउटसाइड फूड अलाउड है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं बच्चों के लिए, तो 3 साल से अबाउ जो बच्चा होगा उसका टिकट लगेगा। ठीक है, 650 चार्ज लगेगा, कोई डिस्काउंट नहीं है इसमें। 3 साल से छोटा बच्चा जो होगा उसका कोई चार्जेस पे नहीं करना होगा। बात करते हैं हम टाइमिंग का, टाइमिंग यहाँ पे 4 बजे ओपन होता है ये, और रात को 10 बजे तक खुला रहता है, 4 से लेकर 10 बजे तक। गर्मी का टाइम है इसलिए टाइमिंग ये रखा गया। हो सकता है आने वाले टाइम में टाइमिंग चेंज कर दिया जाए, पर करंट टाइम में यही है। करंट टाइम में 4 बजे ओपन हो गया, रात को 10 बजे बंद हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पार्किंग की, तो पार्किंग यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, किसी तरह का कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि जो एडवेंचर का जो डी एडवेंचर का जो गेट है उसके बाहर ही पूरी पार्किंग है। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये पार्किंग है और ये अपना डी एडवेंचर का गेट है। तो पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर, अपने रिस्क पर गाड़ी पार्क करके जाना। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं अब एक्टिविटीज़ की, तो यहाँ पे 40+ एक्टिविटीज़ है, मतलब एक्टिविटी से भरा हुआ है, टोटल एडवेंचर से भरा हुआ है। इसके अलावा मतलब ये एक्टिविटीज़ है, मैं आपको एक एक करके गिनाऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं आपको अंदर चल के सारी एक्टिविटीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब हम जाके टिकट ले लेते हैं। टिकट लेके वही सेम अपने हाथ में बैंड बनेगा, बैंड बनने के बाद फिर हमें एंट्री मिलेगी, सारी एक्टिविटीज़ इन्जॉय करते हैं वन बाई वन। और चलो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ अगर आपको किसी तरह का इस जो मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, जो लोकेशन मैं कवर कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में आके पूछ लेना। ठीक है, मैं दिल्ली NCR की लोकेशन आजकल कवर कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में फिर अपना आउटसाइड कवर करेंगे। करंट टाइम में जो भी लोकेशन आप चाहते हो कि वहाँ की मैं वीडियो बनाऊँ या जो मैंने कवर कर लिया उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसके अलावा अगर आपको कोई बर्थडे पार्टी है, कोई कॉर्पोरेट पार्टी है, मतलब कोई एनिवर्सरी पार्टी है, किसी का कोई सेलिब्रेशन है, तो आप यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है बुकिंग फॉर बुकिंग के लिए, इस पर कॉल करके अपना बात कर सकते। गिरने का डर नहीं होता क्योंकि देखो साथ में सेफ्टी बेल्ट बंधी हुई है। ठीक है ना, ऐसी करके सारी इस तरह ही बनाया गया, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 करके ये रूप कोर्स है। इसके अप वाला जो है वो थोड़ा ज़्यादा हार्ड पड़ता है, क्योंकि उसमें जैसे इनमें तो ये है, ऊपर वाले में टायर है और इस तरह के ये हैं, तो ये वाली है। तो जिसको करना वो चाहे तो फर्स्ट स्टेज वाला कर लो या सेकेंड स्टेज वाला कर लो, जो भी करना हो। चलो कवर करते हैं इसको पूरा।
अगर एडवेंचर, देखो मेन क्या एक्टिविटीज़ हैं सबको करना चाहिए, लेकिन क्या है ना कि बस गर्मी भी है थोड़ा, और आप लोगों को दिखाना है तो बस सिम में दिखा दिया मैंने, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड वाली है। तो आप चाहो तो नीचे वाली काफ़ी नॉर्मल हाइट पर ही है, तो ऊपर वाली थोड़ी हाइट है, गिरने विरने की कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप ट्राई कर सकते हो। बच्चों के लिए थोड़ा वो है कि बच्चों मतलब गिरेंगे तो बच्चे भी नहीं, पर बच्चों के लिए थोड़ा क्या है ना, पैरों वैरों का थोड़ा पड़ता है, तो बच्चों को ना ही कराएं ये वाला। वॉल क्लाइंबिंग है इसमें, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, ऊपर तक जाओगे चढ़ते 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 चढ़ते, मस्त है ये भी। इसमें भी गिरने का कोई दिक्कत नहीं, गिरने का डर नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा आपका सेफ्टी बेल्ट से बंधा होता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये आपका सीढ़ी जो है ये है, इसमें आप यहाँ से चढ़ना शुरू करोगे, ये भी ऊपर तक आपकी जाएगी इस तरह करके, और इतनी ऊंचाई पे है, इसका भी आप इंजॉय ले सकते हो। और उसके अलावा अपना टायर क्लाइंबिंग है अपना, ये है, इसमें भी आप इसका मैं रेडी हो चुका हूँ, साथ में हमारा सेफ्टी जिसमें मुझे टांगेंगे वो भी मेरे हाथ में है, प्लस मैं बेल्ट मैंने बांधी हुई है। तो चलते हैं, जिपलाइन कवर करते हैं, ठीक। तो चलते हैं फिर जिपलाइन के लिए, ये सीढ़ियाँ हैं, इससे ऊपर तक जाना है अपने को, जिपलाइन करके आते हैं, बने रहो मेरे साथ। तो ये जिपलाइन के लिए ऐसे रेडी करते हैं, ऐसे आप लोगों को यहाँ पे टांगेंगे, ठीक है, इस पर फिर आपको वेट डालना है ऐसे करके, और देन फिर ये अपना गेट है, इसको ओपन करके और धकेल देते हैं नीचे की तरफ, और ये ऐसे करके चले जाते हैं, मस्त है, जो भी कहो मज़ा आता पूरा। तो रेडी हो चुके हम जिपलाइन के लिए, चलते हैं फिर। भाई ने लटका दिया मुझे आगे, मजा के पैरों को फोल्ड करना, ठीक है, ठीक, चलो ओके छोटा। पहली बार रिकॉर्ड करना बोल दिया, दूसरी बार करता हूँ फिर। मस्त यार, अब हो गया रिकॉर्ड, मजा आ गया। एक्चुअली मैं दूसरी बार गई, पहली बार ना कैमरा ऑन करना भूल गया था रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैं जिपलाइन ना करता नहीं था पता, लेकिन मतलब करता नहीं था, जैसे रंगमंच में गया था, रंगमंच में मैंने नहीं करी थी, फर्स्ट टाइम गया था, उसके बाद तो कर ली थी। तो अब क्या, अब तो ये हो गया कि जहाँ भी एक्टिविटी में जाते हो जिपलाइन तो करनी पड़ती है, कि यही एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें करते वक्त ना दोनों हाथ हम फ्री रख सकते हैं, तो हो जाती है। अभी क्या हुआ मेरे साथ में कि पहले जब मैं गया ना ऊपर, तो मैंने रिकॉर्ड किया, एक मुझसे पहले एक सर जा रहे थे उनको रिकॉर्ड कर लिया, मेरा नंबर आया तो मैं वीडियो ऑन करनी भूल गया, यहाँ पे आके ध्यान आया यार रिकॉर्ड नहीं, मैं चिल्ला भी रहा था मस्त से, तो वापस फिर मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ी है। फिर कोई बात नहीं, मज़ा आ गया, दो बार मज़े आ रहे हैं पूरे, बने रहो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये इसको आप स्काई साइकिल भी कह सकते हो, जिपलाइन साइकिल भी कह सकते हो, स्काई साइकिल भी कह सकते हो। तो इसमें क्या है, आपको पैर, अब देखो इसमें कंटिन्यू आपको पैर पैडल घुमाते रहने, अगर आपने पैडल घुमाने बंद कर दिए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी, जितने पसीने किसी भी एक्टिविटी में नहीं आते जिसमें इसमें आ जाएंगे अकेले आपके। तो ये अपनी साइकिल आ चुकी है, तो करते हैं स्काई साइकिलिंग, ठीक है, बैठता हूँ मैं इस पर और देखो मस्त मज़ा आएगा। तो स्काई साइकिल पे बैठ चुके हैं, अब मारते हैं पैडल, इसमें से पैडल मारने होते हैं और कुछ नहीं करना पड़ता। छोटा सा ही एरिया था, ज़्यादा लंबा नहीं था, तो मस्त था, मज़ा आया बस। ये अपनी है वाटर जॉर्बिंग और वो अपनी बॉडी जॉर्बिंग, चलते हैं एटीवी बाइक की राइड करने के लिए, मस्त मज़ा आएगा, फर्स्ट टाइम करूँगा मैं इसकी राइड ना, घुमा देंगे एक टायर पे इसको, तो देखो हाँ कोई नहीं। ये एटीवी बाइक खड़ी है अपनी जो हमें चलानी है, ये पूरा राउंड कराते हैं, ये देखो यहाँ से है ना बीच में खेत है, ये पूरा राउंड वहाँ से घुमा के और देन फिर यहाँ पर लेके आते हैं, मस्त मज़ा आता है इसमें। तो गाड़ी हमने चला ली, एटीवी कहते हैं इसको, एक्चुअली हिल स्टेशन जो होते हैं ना वहाँ पे ज़्यादा यूज की जाती है, मस्त मज़ा आता है इसमें भी, पहली बार चलाई थी मैंने, गजब मज़ा आ रहा था, रेस थी और ब्रेक था, उसके अलावा गियर वेयर वाला सीन तो था नहीं कुछ। उसके बाद चलो मैं आपको एक्टिविटी दिखाता हूँ यार, मैं तो करता ही रहूँगा एक्टिविटी, मैंने आपको दिखा दूँगा।
फैमिली या ग्रुप के साथ आते हैं, फ्रेंड सर्कल के साथ आते हैं, तो यहाँ पे अपनी देसी लुक में अपने देसी मुड्डे हैं, चारपाई डली हुई है, आप अपना यहाँ बैठ के फुल इन्जॉय कर सकते हो अपना इन चीज़ों को। ये स्कूटर है, फ़ोटो क्लिक करवानी है लेके नहीं जाना, ठीक है ना। और ये बच्चों के लिए है जंपिंग, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जंप कर सकते हैं, बस मज़ा आता है इसमें बिना किसी डर के, बिना किसी चोट वोट का कोई डर नहीं होता, मस्त मज़ा आता है। तो ये रेन डांस है, रेन डांस स्टार्ट हो चुका है और पब्लिक एंजॉय कर रही है ना, वाटर जॉर्बिंग है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, देखो इसको। इसमें ऐसे क्या होता है, बीच में घुस के फिर उसको खुद को चलना होता है, ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है पानी के अंदर जैसे बच्चे कर रहे हैं, तो फुल इंजॉय कर रहे हैं, ये मस्त है ये भी। तो बच्चे अगर यहाँ पे आते हैं तो फुल इंजॉय करेंगे। ये हेलीकॉप्टर है डी एडवेंचर का, तो इसमें आप बैठ के जा सकते हो, मतलब एक बार इसमें बैठ जाओ उसके बाद ये खुद ही पहुँचा देगा आपको डी एडवेंचर पार्क से। आप बैठोगे और कुछ ही देर के अंदर ही आप डी एडवेंचर पार्क गुड़गांव में उतर जाओगे, इतना आपको ट्रैवल कराएगा ये बिना किसी चार्ज के, ठीक है। 650 में ये भी इंक्लूड है, आप जाएँ तो इसकी सवारी का मज़ा ले सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, सही में वैसे बैठ तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकर कहीं नहीं जाएगा ये, ख्वाबों की दुनिया में ही रखेगा आपको ये है, ठीक है। आप दिखा, ये अपना ट्रैक्टर है, ये भी यहाँ पे है, ये आपका ट्रैम्पोलाइन है आपकी, ये देखो ये छोटे बच्चों के लिए है, बच्चे यहाँ पे क्रिकेट भी खेलते हैं एक्चुअली, क्रिकेट आप यहाँ होते हैं यहाँ पर क्रिकेट का भी मज़ा ले सकते हो आते हो तो। इसके अलावा ये हैं छोटे बच्चों के लिए, ये वाली झूले हैं छोटे छोटे, यहाँ पे आप झूल सकते हैं, और वो भी है स्लाइडिंग के लिए छोटे, ये सब टोटल छोटे बच्चों के लिए है जो भी है ना। यहाँ की एक चीज़ बताऊँ क्या है, यहाँ पे जो जिप लाइन है ना, यहाँ की जिप लाइन काफ़ी लंबी है, मतलब मैं बताऊँ हाँ मतलब मैं ईओडी पार्क जो गया था ना, ईओडी पार्क के सेम ही है, मतलब वो एक्चुअली मैं उस समय भी आपको ये बताया था कि ये दिल्ली की सबसे बड़ी जिप लाइन है एडवेंचर पार्क की, तो ये भी सेम उसी लेंथ की मुझे लगता है, डिस्टेंस ही होगा इसका भी अराउंड 150 100 100 मतलब 200 से कम ही है, मतलब तो काफ़ी बड़ी है। एक ही और दिखाता हूँ आपको मैं, ये अपना टायरों का है, इन पर जैसे नॉर्मली होगा, इन पर पैर रख रख के चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, क्रॉस करना होता है, देन फिर वो बड़े टायर हैं उनको क्रॉस करना पड़ता है। इसके अलावा ये जो एरिया है वो अपना डार्ट गेम है, गन शूटिंग है, और अपना आर्चरी है, इसके लिए बनाया गया है। अभी यहाँ पे कोई है नहीं, मतलब क्योंकि क्राउड नहीं है और पब्लिक नहीं आती, तो ये वाला सेक्शन जो है बिल्कुल ही खाली है, तो अगर आप आने वाले टाइम में आते हो तो आपको ये सब चीज़ें ओपन ही मिलेंगी, करंट में अभी नहीं है ओपन। ये देखो ये अपना पूरा सेक्शन है, और देखो कितना बड़ा डी एडवेंचर पार्क है, कितना बड़ा है ये, वहाँ से यहाँ आना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ठीक है ना। ये अपनी नेट क्लाइंबिंग है, तो इसकी छोटे बच्चे इसको भी एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ से चढ़ो उस साइड से उतर जाओ। ये अपना फूड के लिए है, अपना डाइनिंग एरिया कह सकते हो आप इसको, एक्चुअली क्या है ना यहाँ पे अभी फूड फैसिलिटी नहीं है, अगर कोई बड़ा ग्रुप आता है कोई पार्टी पर्पज से है, कोई मान लो बर्थडे पार्टी है, तो उस कंडीशन में इस चीज़ को ओपन किया जाता है। यहाँ पे फूड फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन फॉर जैसे हम जैसे घूमने आए हैं तो हम जैसों के लिए नहीं है, ये 650 के अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर आप बर्थडे पार्टी के लिए या फिर कोई मैरिज फंक्शन के लिए या किसी और किसी भी मतलब फंक्शन के पर्पज़ से इसको अगर बुक करते हो तो ये वाला लोकेशन एक ऐसी लोकेशन है, यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, कपल्स इस तरह मतलब ग्रुप में अगर आते हो ना, तो आप फुल इंजॉय करोगे इस लोकेशन में, क्योंकि 40+ एक्टिविटीज़ हैं और खुले में बिल्कुल देखो ताज़ी हवा चल रही है, बिल्कुल खेतों में बनाई हुई जगह है, यहाँ पर आके आप फुल इंजॉय कर सकते हो अपने, क्योंकि 40+ एक्टिविटी है, एक्टिविटी का भी मज़ा ले सकते हो, साथ में रेन डांस है और अपना इतनी मतलब मैं बताऊं यार एक्टिविटी आपको दिखाई दी, मैं काउंट करूंगा तो ब्लॉग ज़्यादा लंबा चला जाएगा, तो फुल इंजॉय कर सकते हो आप यहाँ पे आते हो तो। इसके अलावा क्या कहते हैं, अभी थोड़ा टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर क्राउड कम है, नॉर्मल सी बात है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कोई भी, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए ना, तो क्राउड आपको अभी बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे टेम्परेचर नॉर्मल होगा क्राउड यहाँ पर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा
आज का जो व्लॉग मैं ही कंप्लीट करता हूँ उसको, क्योंकि सारी चीज़ हमने कवर कर ली है इस। और मैंने आपको जो दिखाया था अपना डॉट गेम है, आर्चरी है, ये एक्चुअली अभी बंद थे लेकिन थोड़ी देर बाद खुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो मतलब ये वो चीज़ जगह, वो चीज़ ओपन है तो अभी क्राउड नहीं है, इसलिए भैया कह रहे थे थोड़ा लेट खोलेंगे उसको, तो खुला हुआ है वो, तो वो एक्टिविटी भी करंट में वर्किंग है। तो आप ये मैं सोच रहा हूँ बंद है। तो व्लॉग मैं आज का ही कंप्लीट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आने वाले टाइम में बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आने वाला हूँ मैं आपके लिए। अब तो अपना दिल्ली NCR लोकल अपना ये है, ये कवर कर रहे हैं अभी, और जैसे ही ये लोकेशन हमारी कंप्लीट होती हैं देन फिर हम आउट स्टेशन जो है वो कवर करेंगे, ठीक है ना। पर जो भी है, आप मेरे चैनल पर अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आप निराश नहीं होंगे, बहुत मज़ा आने वाला है आपको आने वाले टाइम में। और किसी भी तरह का कोई कमेंट्स होता है, कोई क्वेश्चंस होता है आपको इस लोकेशन या आने मेरी किसी और व्लॉग जो मैंने बनाया है उस व्लॉग को लेकर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, कोई क्वेश्चन होता है वहाँ पे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पक्का रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। किसी तरह की कोई क्वेरी होती है, आपको कोई कंप्लेंट है मेरे व्लॉग से, कोई आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे अंदर तो आप पक्का मुझे बता देना, मैं पक्का उसको नेक्स्ट वाले व्लॉग में इम्प्लीमेंट करूँगा अपने अंदर या व्लॉग के अंदर जो भी होगा। तो आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, चलते हैं फिर, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग पर। अपना ख्याल रखना, परिवार का ख्याल रखना, बाय, सी यू अगेन, ओके, वंदे मातरम, जय हिंद।